मामला सदरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पिपरीपुर का है। यहाँ रहने वाले सुनील अपनी पत्नी जयंती के साथ रहा करता था। पालेसर का निर्माण करते समय वह अक्सर घर से बाहर रहा करता था। इस दौरान उसकी पत्नी जयंती का संदीप पासी, जो कि मिस्त्री का काम करता था, उससे नाजायज संबंध हो गए। पति ने जब इसका विरोध किया तो उसकी पत्नी जयंती और संदीप ने मिलकर उसका कत्ल कर दिया। वहीं पत्नी ने हत्या का आरोप उसी के मामा पर जमीन के लालच को लेकर लगा दिया। हमने मारी थी हमारे आदमी, क्योंकि वो हमका बहुत मारते थे, बहुत रोज रोज मारते थे। हमारा पूरा शरीर में काला काला दाग कर दिया है। उसका मामा ने मारी है, उसका नानी ने मारी है, और हम दो जन को इतना बदनाम कर दिया है कुछ पूछो ना। हम इसके साथ में बात करते थे, उसको तो पता थे, तो पागल बना के छोड़ देगी। तो हम खुद का बचत के लिए ऐसा किए, क्योंकि हमका पता है जब हम नहीं मारूंगी तो उसका मामा और नानी ने उसको जरूर मार डालेगी। किसके साथ मिलकर के मारा आपने? संदीप कुमार के साथ मिलकर। थाना सदरपुर क्षेत्र के ग्राम पिपरी में कल रात्रि सुनील पासी नामक व्यक्ति की उसके घर में सोते समय मौके से हत्या कर दी गई है। इस घटना के संबंध में उसकी पत्नी द्वारा सुनील के मृतक के मामा, नानी व मामा के दो साले व एक अन्य रिश्तेदार, कुल 5 व्यक्तियों को नामजद करते हुए धारा 302 का अभियोग पंजीकृत कराया गया था। इस घटना का अनावरण हो गया है और इन दोनों व्यक्तियों को। सीतापुर से टीवी 100 के लिए ज्योति कुमार की रिपोर्ट।